नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह। आज मैं आपको वेक्टर स्पेस का फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर स्पेस का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें एग्जांपल वन जो आपको कंप्लीट कर रहा है, अनकम्प्लीट था लेक्चर पढ़ने वो कम्प्लीट कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था उसमें क्या था कि आपको एक सेट दिया गया था आप। ठीक है, वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया गया था, वो क्या था फील्ड का, और एक सेट भी दिया गया था जिसमें एलिमेंट की कौन सी कौन थी, जिसमें एलिमेंट की कौन सी मैट्रिक्स थी, और उन मैट्रिक्स का टाइप क्या था, उन मैट्रिक्स का टाइप था ए जीरो जीरो मतलब टू क्रॉस टू के वर्ग का मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो ए और बी है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखो आपको थर्ड प्रॉपर्टी थी अधिक स्कूल के लिए बन जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको करना क्या है, इस जो प्रॉपर्टी के अंदर आपको फील्ड आर का सोर्स है, फील्ड आर का सोर्स से एक आर के एलिमेंट लेना है एल्फा। ठीक है, फील्ड आर का सोर्स से आपने एक आर के एलिमेंट लिया एल्फा, और आपने क्या किया कि सेट बी से दो आर के एलिमेंट के लिए बी वन और बी टू, सेट बी से दो आर के एलिमेंट बी वन और बी टू ले लिए, जहाँ पे v1 क्या है, जहाँ पे v1 है a1 0 0 v1। ठीक है, और v2 क्या है a2 0 0 v2। ठीक है, तो आपको अधिक समझ के लिए बंधनता से करना तो क्या करना होगा कि अल्फा डॉट v1 प्लस v2 किसके बराबर शो करना है, आपको शो करना है अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट v2। ठीक है, आपको क्या करना है, अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू बराबर अल्फा डॉट बी वन प्लस अल्फा डॉट बी टू। ठीक है, तो देखो आपने क्या क्या एक स्केलर ले लिया फील्ड आर से। ठीक है, स्केलर कौन है अल्फा, और दो वेक्टर ले लिया आपने बी से, आर के वेक्टर ले लिए बी वन और बी टू, जहाँ पे बी वन क्या है टू प्लस टू की मैट्रिक्स, और बी टू भी क्या है टू प्लस टू की मैट्रिक्स। बी वन क्या है ए वन जीरो जीरो बी वन, और बी टू क्या है ए टू जीरो जीरो बी टू। के लिए बंटन का सिलेबस दिया था, आपको कैसे करना पड़ेगा कि अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू का मान किसके बराबर है, अल्फा डॉट बी वन प्लस अल्फा डॉट बी टू। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू फाइंड आउट। ठीक है, अल्फा क्या है स्केलर, ये तो बाहर वर्टिकल में रहेगा अल्फा डॉट, और बी वन क्या है, बी वन है ए वन जीरो जीरो बी वन। ठीक है, प्लस v2 क्या है a2 0 0 b2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो a1 और b1 है, a2 और b2 है, ये क्या है रियल नंबर है, तो a1 a2 b1 b2 ये क्या है रियल नंबर है, और किसको बिलोंग करेंगे, ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे फील्ड को। ठीक है, अब देखो आप दो मैट्रिक्स का सम कर रहे हो, ये दोनों के दोनों क्या है वेक्टर है, लेकिन वेक्टर के तौर पे आपने क्या यूज कर लिया इसका, इस बार आपने वेक्टर के तौर में मैट्रिक्स जीरो क्रॉस टू ऑर्डर किया। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, संगत एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए, दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड किया। ठीक है, तो अल्फा डॉट ए वन प्लस ए टू जीरो जीरो बी वन प्लस बी टू, यहाँ पे बी प्लस है, ये तो क्या कर रहा है फैक्टराइजेशन दिखा रहा है, लेकिन जब ये स्केलर है तो स्केलर के मध्य एडिशन किसके सिंबल से लिख करोगे आप, प्लस सिंबल से, और कौन से प्लस सिंबल से, साधारण योग वाले सिंबल से आप इसको लिख करोगे। इसी प्रकार बी वन और बी टू क्या है, बी टू क्या है स्केलर है, तो इन दोनों एडिशन क्या कैसे होगा, इन दोनों एडिशन साधारण योग का करेंगे होगा। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू ऑर्डर की, ठीक, इसको आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करना क्या है, ये स्केलर के एलिमेंट के उस मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये स्केलर है, ये भी स्केलर, ये सभी के सभी स्केलर है। दूसरी बात ये खुद स्केलर है, तो दो स्केलर का मल्टीप्लीकेशन कैसे शो होगा या मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार से फाइंड आउट होगा? इसका मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करोगे साधारण मल्टीप्लीकेशन, ठीक है भाई, जनरल मल्टीप्लीकेशन का फाइंड आउट करोगे। तो इंटीग्रेशन सिंबल क्या आया? इंटीग्रेशन सिंबल आएगा साधारण मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा जीरो, अल्फा जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा? जीरो। इसी प्रकार अल्फा जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जीरो, और ये अल्फा से मल्टीप्लाई करके हमारा बी वन प्लस बी, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये एलिमेंट किसके हैं? ये सभी के सभी एलिमेंट किसके हैं? फिर डाल सकते हो, ठीक है, ये सारे एलिमेंट किसके हैं? अल्फा बी वन बी टू बी वन बी टू, ये फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट है तो कहने का मतलब क्या है कि आर क्या है? आर प्लस के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप, ठीक है, आर प्लस के सापेक्ष कैसा ग्रुप है? अबेलियन। दूसरा आर डॉट क्या है? सेमी ग्रुप। आर डॉट क्या है? सेमी ग्रुप। और तीसरा है कि गुणन के योग पर क्या है? बंधन की तरह हो रहा है कि ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी तथा बी प्लस सी डॉट ए क्या है? बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ठीक है भाई। तो गुणन के योग पर बंधन का पालन हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए डॉट ए प्लस सी को क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी को आप इसको लिख सकते हो। अल्फा डॉट ए वन प्लस अल्फा डॉट ए टू जीरो जीरो, इसी प्रकार से लिख सकते हो अल्फा डॉट बी वन प्लस अल्फा डॉट बी टू, ठीक है। अब देखो आप इसको अगेन क्या लिख सकते हो? दो मैट्रिक्स के टर्म्स में रूट लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा अल्फा ए वन जीरो अल्फा बी वन प्लस अल्फा ए टू जीरो जीरो अल्फा बी टू, ठीक है। अब ये स्केल मल्टीप्लाई में अल्फा इसको आप अगेन बाहर ले सकते हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दो? अल्फा डॉट ए वन जीरो जीरो बी वन प्लस, अब देखो ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो दोनों का एडिशन किस प्रकार से लिखा हुआ है? इस सिंबल के द्वारा लिखा हुआ है। तो प्लस अल्फा डॉट ए टू जीरो जीरो बी टू, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है? बी वन। ये कौन सा है? बी टू, ठीक है। और ये कौन सा सिंबल है वेक्टर का? तो आप क्या लिख सकते हो? अल्फा डॉट बी वन प्लस अल्फा डॉट बी, ठीक है। जो ये चेक करना था आपसे अल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू का मान फाइंड आउट करना था, ये किसके बराबर आना चाहिए? अल्फा डॉट बी वन प्लस अल्फा डॉट बी टू, ये आपको चेक कर लिया कि दोनों के दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। लिखो माना B कैपिटल B का, माना P कैपिटल B का स्वेच्छाव्यय है, कैपिटल B का स्वेच्छाव्यय है, दैट इज ईच B बराबर, नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो अल्फा, ये अल्फा क्या है? अल्फा फिल्ड आर्डर के ऊपर निर्देश कर रहा है, माना अल्फा आर्डर को का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है भाई, कोई स्वेच्छ अवयव है, दैट इज ईच अल्फा बिलोंग टू आर तथा v1 v2 समुच्चय v के, समुच्चय v के कोई दो स्वेच्छ अवयव, समुच्चय v के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, दैट इज v1 बराबर ए वन जीरो जीरो बी वन तथा बी टू बराबर ए टू जीरो जीरो बी टू, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ईच बी वन
वन बी टू बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। जहां जहां बी वन बराबर ए वन जीरो जीरो बी वन और बी टू बराबर ए टू जीरो जीरो बी टू, ए वन ए टू बी वन बी टू, ये किसके एलिमेंट है? पिंडार के एलिमेंट है, ठीक है। अब एल्फा बी वन प्लस बी टू का फाइंड आउट करना है, किसके बराबर होना चाहिए ये चेक करना है आपको। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है एल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू बराबर एल्फा डॉट बी वन प्लस एल्फा डॉट बी टू, ठीक है। तो देखो एल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू क्या होगा, इसका मान एल्फा डॉट बी वन, बी वन का मान क्या है ए वन जीरो जीरो बी वन, और बी टू का मान क्या है ए टू जीरो जीरो बी टू, ठीक है। अब देखो एल्फा को मल्टीप्लाई करो, सबसे फर्स्ट जो बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, ये दोनों दो वेक्टर है, ये वेक्टर एडिशन मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स है, तो आपको करना क्या है इन दोनों में एडिशन करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से करेंगे तो आपको सेंट्रल एलिमेंट पर हो सकता है। तो देखो ये हो जाएगा एल्फा डॉट ए वन प्लस ए टू जीरो जीरो बी वन प्लस बी टू, ठीक है। यहाँ पे ये ए वन स्केलर है ए टू स्केलर है, तो इनके मध्य एडिशन का साधारण ये होता है। अब आप क्या करना, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो ये स्केलर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो आप स्केलर से तो एल्फा डॉट ए वन प्लस ए टू जीरो जीरो एल्फा डॉट बी वन प्लस बी टू, ठीक है। देखो क्योंकि आर प्लस रो क्या है, आर प्लस रो फील्ड है, ठीक है। आर प्लस रो क्या है, फील्ड है, तो आप क्या कह सकते हो, आप यह कह सकते हो कि एल्फा डॉट फील्ड है तो यह बंटन गुणधर्म का पालन भी करता है, तो यह बंटन गुणधर्म का पालन भी करता है, ठीक है। किसका पालन करेगा ये, बंटन गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है। बंटन नियम कौन कौन से हैं, बंटन नियम है ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सेकेंड बी प्लस सी डॉट ए बराबर बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। अब देखो इसका क्या लिख सकते हैं, एल्फा डॉट ए वन प्लस एल्फा डॉट ए टू जीरो जीरो एल्फा डॉट बी वन प्लस एल्फा डॉट बी टू, आगे इसको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को ये हो जाएगा एल्फा डॉट ए वन जीरो जीरो एल्फा डॉट बी वन, ठीक है, प्लस एल्फा डॉट ए टू जीरो जीरो एल्फा डॉट बी टू। अब ये स्केलर मल्टीपल कौन है, इसको आगे बाहर निकाल लीजिए मैट्रिक्स से, ये हो जाएगा एल्फा डॉट ए वन जीरो जीरो बी वन और ये हो जाएगा एल्फा डॉट ए टू जीरो जीरो बी टू, ये कौन सा वेक्टर है बी वन, ये हो जाएगा एल्फा डॉट बी वन प्लस एल्फा डॉट बी टू, ठीक है। अतः समुच्चय बी प्लस डॉट में बी प्लस डॉट में अधिक गुणन के लिए अधिक गुणन के लिए बंटन का पालन हो रहा है, अधिक गुणन के लिए बंटन का पालन हो रहा है, ठीक है भाई। या तो घर को फटे कंप्लीट हो गए, फोर्ट देखिए फोर्ट क्या है अधिक योग के लिए बंटन का, फोर्ट क्या है अधिक योग के लिए बंटन का, ठीक है। देखो अधिक योग के लिए बंटन का क्या होगी, इसके लिए अब की बात करना क्या है आपको, अब की बात अधिक योग के लिए बंटन का फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करना पड़ेगा आपको, एल्फा
प्लस बी वन डॉट बी टू, ठीक है। ओके कुछ मिस्टेक है इसमें, दो मिनट देंगे। देखो ये करना क्या है, आपको दो स्केलर लेने हैं, ठीक है, दो स्केलर अल्फा और बीटा लेने हैं, जो कि किसको बिलोंग करेंगे, फिल्डा को और एक वेक्टर लेना है आपको, कौन सा बी, ठीक है। एक वेक्टर आपने ले लिया ए जीरो जीरो, ये किसका एलिमेंट है, ये बी का सेट में का एलिमेंट है। तो क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बी, बी प्लस बीटा डॉट बी। आपको क्या सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बी प्लस बीटा डॉट बी, ठीक है। आपको अब के बाद क्या करना है, दो आर्बिट्री स्केलर लेने हैं आर से अल्फा और बीटा, और एक आर्बिट्री एलिमेंट लेना, वेक्टर लेना है सेट बी से, जो कि क्या है मैट्रिक्स का टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, जिसका टाइप क्या है जीरो जीरो बी। और यहाँ पे ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो माना माना बी समुच्चय बी का, समुच्चय बी का कोई स्वेच्छ अवयव, ठीक है, कोई स्वेच्छ अवयव है, डेट इज ईच बी बिलोंग टू बी, जहां बी बराबर क्या है, बी बराबर ए जीरो जीरो बी, ठीक है। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर, ठीक है। अब देखो दो स्केलर को और माना अल्फा बीटा, माना अल्फा बीटा आर के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, आर के कोई दो स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो डेट इज ईच अल्फा बीटा का इक्वल टू आर। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बी प्लस बीटा डॉट बी, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप ये कन्वर्ट कीजिए, उसको आप इसको आप सिद्ध कीजिए, ये किसके बराबर है, इसके बराबर आर अपार, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा डॉट बी, ठीक है। अब देखो ये एवरेज स्केलर है, बीटा स्केलर है, दोनों के मध्य कौन से बना है, साधारण योग का संबंध है, और ये वेक्टर है तो ये वेक्टर किससे मल्टीपल हो रहा है, स्केलर से मल्टीपल हो रहा है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा डॉट ए जीरो जीरो बी, ठीक है। अब ये स्केलर किसके मल्टीपल हो रहा है, मैट्रिक्स से, तो ये मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और कैसे से बनाया आपकी बात, आपकी बात कारण कोड को ले मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये जीरो अल्फा
प्लस बीटा डॉट डी। अब देखो अभी आपको बताया था कि आर का स्लोप क्या है, फील्ड है, आर का स्लोप फील्ड है, तो आर का आगे ग्रुप होगा। दूसरी बात आर रोड का वर्टिकल जीरो, और तीसरी आपको ये पता है कि आर में गुण के लिए योग की बंधनता शामिल होगी, मतलब गुणन की योग पर बंधनता का पालन भी करता है कौन, फील्ड। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी डॉट सी क्या होगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए, ये होगा जीरो, ये जीरो, अल्फा डॉट बी प्लस बीटा डॉट बी। ठीक है, अब देखो इसको अभी क्या लिख सकते हो, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो, अब इसको क्या लिखो, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्षेत्र आर प्लस
रोल ए कोई दो कोई दो शेष अवयव है, कोई दो शेष अवयव है, दैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग टू आर। तब हमें सिद्ध करना है, कि अल्फा डॉट बीटा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बीटा डॉट बी, ठीक है। तो आप चेक करो ये इसके बराबर है कि नहीं, अल्फा डॉट बी बराबर अल्फा डॉट बीटा या अल्फा डॉट बी डॉट ए जीरो जीरो बी, ठीक है। ये इसके बराबर है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। ये मल्टीपल हो गया अल्फा डॉट बीटा डॉट ए जीरो जीरो अल्फा डॉट बीटा डॉट बी, ठीक है। अब देखो, अब आप देख रहे हो इसमें जो स्केलर, ये अल्फा किसका एलिमेंट है, ये अल्फा बीटा ए और बी इसके एलिमेंट है, क्षेत्र आकर्षक के एलिमेंट, क्षेत्र आकर्षक के एलिमेंट है। और क्षेत्र क्या है, प्लस के साथ एक सौ अभी रोड के साथ एक सेम, ठीक है। तो रोड के साथ एक सेम क्या है, तो यहाँ पे तीन में रोड के साथ से सेम पर किसका पालन हो रहा है, एसोसिएटिविटी का पालन हो रहा है, मतलब ये एलिमेंट कौन से नंबर का पालन कर रहा है, सात से नंबर का पालन कर रहा है, मतलब ए से ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ से कर सकते हैं और इस ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देखो अल्फा डॉट बीटा डॉट ए जीरो जीरो अल्फा डॉट बीटा डॉट बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्केलर मल्टीपल है अल्फा सभी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स मल्टीपल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको बाहर भी लिख सकते हो, तो इसको मैंने लिख दिया अल्फा डॉट बीटा डॉट ए जीरो जीरो बीटा डॉट बी। अब अगेन कौन इसके लिए मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट को, बीटा, तो बीटा को क्या कैसे लिख सकते हो अल्फा डॉट बीटा डॉट बी, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस प्रकार, किसका पालन हो रहा है, अदिश गुणन के साथ पालन हो रहा है। अतः समुच्चय बी प्लस डॉट समुच्चय बी प्लस डॉट अदिश गुणन के लिए अदिश गुणन के लिए सहचरिका गुणन का पालन कर रहा है, अदिश गुणन के लिए सहचरिका गुणन का पालन करता है। और लास्ट है आपके वन डॉट बी बराबर बी, ठीक है। लास्ट क्या करना है आपको, वन डॉट बी बराबर बी से करना है, इसके लिए ईच बी बराबर को आर, ठीक है, ये से करना है। देखो देखो साथ के साथ ए और बी क्या है, ए और बी भी फील्ड के एलिमेंट है, मतलब ये
बी, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट भी किसका है, आर का, ये किसका है, आर का, और आर डॉट के सापेक्ष क्या है, सेमी ग्रुप, आर डॉट के सापेक्ष सेमी ग्रुप है। लेकिन आर क्या है, यहाँ पे आर का जो फील्ड है, तो आर का जो फील्ड है, तो कहने का मतलब आर डॉट सेमी ग्रुप नहीं है, आर डॉट क्या है, थोड़ा आर डॉट एक ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है, अभी ग्रुप है, ठीक भाई, आर डॉट क्या है, अभी नहीं, आर डॉट ग्रुप है, इसके लिए डॉट के लिए, आर डॉट क्या है, डॉट के लिए ग्रुप है, तो ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन, तो वन को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ए आएगा, वन को आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी बी आएगा, ठीक है भाई। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा सेट का वो भी एलिमेंट आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए जीरो जीरो बी, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है भाई। अतः समुच्चय बी प्लस डॉट में, बी प्लस डॉट में डॉट के सापेक्ष, डॉट के सापेक्ष तत्सम अवयव विद्यमान है, डॉट के सापेक्ष तत्सम अवयव विद्यमान है, ठीक है भाई। अतः समुच्चय बी प्लस डॉट, अतः समुच्चय बी प्लस डॉट क्षेत्र आर प्लस डॉट के सापेक्ष क्या है, आर प्लस डॉट के सापेक्ष सदिश सममित है, या आर प्लस डॉट के सापेक्ष मान लो, या आर प्लस डॉट को मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कि समुच्चय बी प्लस डॉट क्षेत्र आर प्लस डॉट का सदिश सममित है, ठीक है। और जो भी लेक्चर चल रहे हैं उन लेक्चर्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, हर जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक्स, तो जब भी इनको आप जब भी लेक्चर देखो, वीडियो देखो, तो आप एक बार चेक कर लेना कि सही क्या है, गलत क्या होगा, ठीक है। और शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में ही आपको मिस्टेक मिलेंगे, आगे कोई लेक्चर में मिस्टेक नहीं मिलेंगे, जैसे जो एक बार बन गया तो उसके बाद देखो नहीं है, ठीक है। और आज की क्लास यही कम्प्लीट होती है।